Welcome you all to MESD Season 2 in Taekwondo Advanced Techniques. Okay, तो आज भी हम light warm up से start करेंगे. Warm ups के बाद stump kicks और उसके बाद आपको उनसे stamp करवाएंगे. Okay, now start warm up. Hand straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Both the hands. Okay, roll your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now anti-clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now hand straight. Stretch करना है हमको. हम जितना पीछे ले जा सकते हैं back side उतना ले जाएंगे. Okay? आज आप easily ले जा पाएंगे. कल आपने ये exercise करी है तो आज आपको problem नहीं होगी. और इसके साथ ही हम toe up करेंगे. Toe up करेंगे ऐसे. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब ये हैंड्स को हम ऐसे चेंज कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, वेरी गुड. अब हम टोज पे बैठेंगे ऐसे. 1, 2, 3, 4, देन अप. 1, 2, 3, 4. नी को प्रेस करना है आपको. ओके, टो पे हम ऐसे डाउन होंगे. 1, 2, 3, 4, अप. 6, 7, 8, डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, अब हमको अपने नी ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमको राउंड राउंड करना है. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यस, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यस, वेरी गुड. अब लेफ्ट लेग हम आगे करेंगे फ्रंट में और बैंड करना है. एंड बैक लेग स्ट्रेट ऐसे टोज के साथ. ओके, बॉडी स्ट्रेच करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. लेग चेंज. पूरा लेग आपका स्ट्रेच होना चाहिए और बैक लेग बैंड नहीं करना है आपको. डोंट बैंड योर नीज. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, चेंज. ओपन योर लेग्स. लेग्स ओपन करेंगे हम. आज कुछ एक्सरसाइज डिफरेंट है. हैंड्स को ऐसे ले जाएंगे, देन लेफ्ट साइड डाउन, फिर राइट साइड डाउन. ओके, नाउ हैंड स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यस, वंस अगेन आप एक बार और करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यस, वेरी गुड. एंड स्ट्रेट.
अब इस हैंड को हमको बैक साइड जितना हम पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएंगे, बट वन हैंड तो हमारा बैंड होगा नहीं, जो फ्रंट में है वो बैंड नहीं होगा। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाना है, बैक देन डाउन, बैक डाउन, बैक डाउन, डाउन, यस। ठीक, नाउ स्टार्ट, बात करेंगे वापस। 8, yes, very good. Now hands on your waist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Now up shoulder आपको ऐसे लेफ्ट साइड बैक करना है, देन राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एक्सरसाइज, जॉगिंग स्लोली स्लोली। 5, 5, जॉब करते हुए थोड़ा आगे आएंगे, देन बैक फ्रंट, बैक मूव, फ्रंट यस। ओके, अब ये नीज अप करनी है हमको। ओके, नी अप करने वाली हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले आप धीरे धीरे ऐसे अप करो, यस, बोथ द लेग्स, यस, बिल्कुल टाइट से पकड़ के जितनी ऊपर आपकी आ सकती है। अब जंप करें, रिलैक्स, ब्रीद इन, बहुत अंदर लेना है जोर से, और उतने ही जोर से बाहर हमको छोड़ना है। ओके, रिलैक्स एवरीवन, चेक, ज़ोंबी, ज़ोंबी पोजीशन में आपके शोल्डर, ये हैंड्स और लेग्स, ये बिल्कुल इक्वल रहते हैं एक ही डायरेक्शन, ना लेग्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं और ना ये हैंड्स ऐसे बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रहे, बिल्कुल ये पोजीशन होनी चाहिए। चेक, राइट लेग बैक, फाइटिंग पोजीशन बनाना है हमको। ठीक है, कल हमने पुश किक किया था, आज आपको मैं स्लैब किक बताएगी, स्लैब किक ये। ओके, ये सारी एडवांस किक होती है, इसमें क्या करना है देखिए, ये पोजीशन है, अगर हमने ये लेग उठाया ऐसे और साइड, ये पोजीशन रहनी चाहिए हमारी, बिल्कुल ये साइड पोजीशन रहती है। स्लैप, स्लैप मतलब क्या होता है, छापर, तो ये किक फेस से पड़ती है ऐसे। तो ये मिडिल होती है और ये किक अपर भी होती है, मिडिल यहाँ साइड में लगती है, ये किक मिडिल किक बीच में, और
जो अपर किक है वो फेस पे। ओके, तो हम पहले मिडिल वाले किक से स्टार्ट करेंगे, पहले मिडिल किक की प्रैक्टिस करेंगे। वन टू थ्री। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके जो टो है ये पूरा ऐसे टर्न हो जाएगा। ओके, ये टो आपका ऐसे टर्न हो जाना चाहिए, मतलब वो एल बना लेगा। ओके, तभी वो किक आपकी ऊपर जाएगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यस, वेरी गुड। अब लेग चेंज करेंगे लेफ्ट लेग से। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, आपको ये केक अगर बैलेंस नहीं बनता है तो आप किसी चीज को होल्ड करके भी प्रैक्टिस कर सकते। जैसे ये वो बॉल मैंने पकड़ लिया, इसको हमने पहले नहीं अप करने की हमको ट्राई करना चाहिए कि हमने नहीं अप किया। ओके, फिर केक बैक डाउन। ओके, आप एक बार एक वापस करिए स्लैब की, मैं देख रही हूँ स्विच ऑन योर कैमरा। यस, एक बार करके बताइए स्लैब की। यस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यस, गुड। नाउ लेग चेंज लेफ्ट लेग से करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। यस, ओके, वेरी गुड। नाउ रिलैक्स। नाउ पुश किक स्लैप किक एंड नेक्स्ट हम किक करेंगे ड्रॉप किक। ड्रॉप किक बिल्कुल लेग स्ट्रेट अप जाएगा एंड देन डाउन। ये देखिए, वन डाउन, बिल्कुल स्ट्रेट अप एंड डाउन। ये सब पैर लेग्स हमारे ऊपर कब होते हैं? जब हम वो सारे एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली, और उसके बाद होती है एक स्ट्रेचिंग जिसमें हम पूरा डाउन हो जाते हैं। आप उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके पैर उतने ज्यादा खुलेंगे जिससे आपकी किक्स ऊपर होंगी। ठीक है, अब ये ड्रॉप किक है, देखिए किस बिल्कुल आपके हेड तक जानी चाहिए, हेड से भी ऊपर, बट अभी अगर आपके हेड तक जा रही है लेट्स ओके। और अब फिर डाउन। चलिए करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। यस, वेरी गुड। ये किक वो अप करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको लेग्स में, क्योंकि लेग्स अभी आपके इतने खुले नहीं है। ठीक है, अब लेफ्ट लेग से करेंगे। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन।
on. Check. Relax. Yes. Very good. Legs को आप ऐसे कर सकते हैं, अगर पेन हो रहा है रिलैक्सेशन के लिए. अब नेक्स्ट आपको आज उनसे जो मैं बता रही हूँ उनसे मैं यही सारी किक्स कैसे एक साथ सीक्वेंस में है, जिसको हम अपने फाइटिंग में भी यूज करते हैं. उनसे का मतलब ये भी होता है कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फाइटिंग, कि हम कैसे उसको फाइट में यूज करते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान से सीखना है. उनसे नंबर वन है ई जाम, इसका नेम है ई जाम. क्योंकि ये कोरियन लैंग्वेज है इसलिए इसके नेम्स ऐसे ही होते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. या तो आप एक बार पहले देख लीजिए कि मैम कैसे कर रही है. 18 स्टेप्स हैं, आपको हाफ आज बताऊंगी और हाफ आपको कल बताऊंगी. ओके, क्योंकि एक साथ इतना हम नहीं कर पाएंगे. जुम्बी पोजिशन देखिए कैसे. उनसे नंबर वन ई जाम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी कम ऑन सेट. ये खुम से होता है, इसको हम खुम से बोलते हैं. ये 8 टाइप्स के होते हैं, उनसे वन टू थ्री, सबके नेम्स अलग अलग होते हैं. फर्स्ट खुमसे का नेम है ई जाम. ओके, अब आप मेरे साथ साथ करेंगे. चेट जुम्बे. ठीक है, मेरा इस तरफ टर्न होगा तो आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है. ठीक, वन, ये देखिए लोअर ब्लॉक है और वॉकिंग स्टांस है, जो हम सिंपल स्टांस हमने सीखा था. फर्स्ट वन लोअर ब्लॉक, देन मिडिल पंच. ओके, फिर राइट साइड में टर्न करके लोअर ब्लॉक सकरात के बाद मिडिल पंच. ठीक है, वॉकिंग स्टांस है. फिर फ्रंट में आगे की तरफ हम लोअर ब्लॉक करेंगे और जो ये वॉकिंग स्टांस है हमारा, इसको हम बड़ा करेंगे. टर्न स्टांस, ये लोअर ब्लॉक किया, ठीक आगे ले जाके पंच करेंगे. लोअर ब्लॉक और उसी को आगे ले जाके पंच करेंगे. यही स्टेप्स हम एक बार और करेंगे सारे. ट्रेड जुम्बे. वन, मैं आपके साइड से ही कर रही हूँ, इसी पोजीशन में आप मेरे साथ साथ ही करिए. ठीक है, वन लेफ्ट लेग है और लेफ्ट हैंड लोअर ब्लॉक है. ठीक है, फिर वॉकिंग स्टांस में पंच नंबर टू, फिर हमारा राइट लेग ही इधर से मूव करेगा, फिर लोअर ब्लॉक. ओके, देन पंच नंबर थ्री. ठीक है, अब फ्रंट साइड में आपके फ्रंट में ये लोअर ब्लॉक और फिर पंच है. ठीक है, ये देखिए ये कैसे लोअर ब्लॉक और पंच है, ये एक बार बता देती हूँ. ये मैंने ये लोअर ब्लॉक किया, फिर वही स्टांस को हमको आगे की तरफ मूव करना है. ठीक है, तो पंच हो गया. वापस हम इतने स्टेप्स एक बार करेंगे, मेरे साथ साथ करिए. चेट सुमी. यस, वीडियो ऑन रखिए तो मुझे भी दिखेगा. ओके, वन टू थ्री
सिक्स सेवन में हमको क्या करना है, ये हमने जो मिडिल ब्लॉक सीखा था ये मिडिल ब्लॉक है। सेवन एट फिर राइट साइड, नाइन टेन। मैम, यस, कैन यू रिपीट दिस? वी रिपीट अगेन एंड अगेन 3-4 टाइम्स, देन वी लर्न। ठीक है, वन टाइम में नहीं होगा डेफिनेटली, इसलिए आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स बता रही हूँ। जब आप ये पूरा कर लेंगे कल, तो आप ये पूरे कुंसे की वीडियो बना लेंगे। कुंसे नंबर वन, ई जाम। ओके, चेक। ठीक है, ये पोजीशन के बाद हम लेफ्ट साइड लोअर ब्लॉक वन, बिल्कुल आराम से करो, एक एक स्टेप। वन फिर पंच, टू फिर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमको लोअर ब्लॉक करना है, देन पंच। इसमें एक चीज ये है कि यही सीक्वेंस आपको याद रखनी है, जिस पोजीशन में हम लेफ्ट साइड रहते हैं उसी पोजीशन में हम राइट साइड लेते रहते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, अगर हमारा लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड बाहर है, ठीक है, तो राइट साइड में हमारा राइट हैंड से ब्लॉक होगा। ओके, यही आपको कोऑर्डिनेशन आपको सेट करना है। ये कुंसे अभी तक हमने जितने किक्स पंच ब्लॉक सीखे हैं उससे रिलेटेड ही ये कुंसे हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है जो आपने नहीं किया है। सुनिए, वन टू थ्री फोर, फ्रंट में फाइव लोअर ब्लॉक, देन पंच। ठीक है, हमारे चारों डायरेक्शन में यही है, स्टार्टिंग में लोअर ब्लॉक मिडिल पंच, लोअर ब्लॉक मिडिल पंच, फ्रंट में भी लोअर ब्लॉक है, बस मिडिल पंच के लिए हमको स्टांस फ्रंट स्टांस बनाना पड़ता है बड़ा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा या ओके, थोड़ा थोड़ा, इट्स ओके, फिर हम धीरे धीरे ऐसे ही सीख थोड़ा जाएंगे। थोड़ा याद हो गया. ओके, वेरी गुड, एक बार और हम इतना करते हैं। चेक, जूम इन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, अब सेवन नंबर से ये हमारा फ्रंट में सिक्स तक स्टेप हो गया। अब सेवन में क्या करना है, जो हमारा फ्रंट लेग है वो बैक साइड चला जाए, ठीक है, लेफ्ट साइड, और ये मिडिल पंच आ जाए, मिडिल ब्लॉक। ओके, अभी तक हमने लोअर ब्लॉक पंच किया था, अब हम मिडिल ब्लॉक और पंच करें। ओके, तो हमने सिक्स तक यहाँ किया था, फिर सेवन मिडिल ब्लॉक, एट पंच, फिर यही पोजीशन हमारे इस तरफ रहेगी, दूसरे डायरेक्शन में मिडिल ब्लॉक। ठीक है, यहां तक हम एक बार वापस करेंगे। चेट, सुमिल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। टेन तक ये है हमारा। अब आप करिए वापस मेरे साथ साथ, जैसे आप ऐसे खड़े हैं मैं भी इसी पोजीशन पे खड़ी होती हूँ। चेक, तुम भी अब मेरे साथ साथ करेंगे आप। वन लोअर ब्लॉक मिडिल पंच, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। अब 13 में क्या आ जाएगा, हमारा अपर ब्लॉक। ठीक है, 13 में अपर ब्लॉक, पुश किक, पंच, ये भी हमने किया हुआ है। ओके, तो 12 तक तो हमारा यहाँ था मिडिल पंच, और 13 में आ गया ये अपर ब्लॉक। 14
ओके चलिए, ये अभी हम यहाँ ये नहीं करेंगे, सिर्फ हम मिडिल ब्लॉक और पंचतंत्र की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टार्ट करें पर और चेक जुम्बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं आप सब। 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये 12 पोजीशन तक एक बार हम करेंगे। यहां तक सीखने के बाद फिर हम कल इसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। यस, वापस करिए आप। ठीक, जुम्बे, ठीक है, ओम से ही जा, क्या नेम है इसका? आपको समझ आया इसका नेम? ई जैक। ओके, ये आप कभी भी अगर आप फ्यूचर में बेल्ट ग्रेडिंग देंगे, आप टाइकोंडो की आप जब भी देना चाहे आप ज्वाइन करेंगे, तो उस बेल्ट ग्रेडिंग में हमको ये पुमसे आना चाहिए। ये पुमसे की आप पूरी प्रैक्टिस दिखाएंगे, फिर आपको येलो बेल्ट मिलेगा और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो फिर आपको वो येलो बेल्ट इसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। उनसे हमको जरूर आना चाहिए, जिससे हमारे किड्स ब्लॉग्स इसमें परफेक्शन हमको दिखता है। ओके, वापस आप मेरे साथ करेंगे। चेक, सुन भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। आपको इस बुक से की मैं वीडियो भी भेज दूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करना उसको देख के। ओके ठीक है, अभी आप मेरे सामने वापस करो एक बार। चेक, जुम्बे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यस वेरी गुड। ये ब्लू ड्रेस में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, ट्राई कर रहा है, वेरी गुड। समायरा, आपने भी अच्छा ट्राई किया, बीच में रोकती क्यों? आप मेरे साथ साथ करो, ठीक है, अच्छा कर रही थी, 6 स्टेप तक तो सही किया आपने। ठीक, अब मेरे साथ करेंगी, जैसे मैं आगे की पोजीशन में खड़ी होती हूँ। ठीक, तुम भी, 1, ठीक है, लेफ्ट साइड हम ले गए, 1, 2, 3, राइट साइड आ गए, 4, 5, 6, 7, मिडिल ब्लॉक 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसमें दोनों साइड ये एक ही चीज है, ये जब हमारा 9 और 10 वाला स्टेप आता है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि हमने ये लोअर ब्लॉक किया और वही लेग को हमको फ्रंट में ले जाके पंच कर, दूसरा लेग हमको आगे नहीं लेके जा रहा। लोअर ब्लॉक पंच, लोअर ब्लॉक पंच, ठीक है, एक ब्लॉक पंच, यस।
रिपीट होती है यही चीज, तो उसमें क्या होता है कि अभी हमने इसमें लेफ्ट से किया था, जो नेक्स्ट टाइम हम जो 15 16 वाले स्टेप करते हैं उसमें ये राइट लेग आता है, तो राइट लेग से लोअर ब्लॉक पंच, लोअर ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। अभी तक हमने ये सारी चीजें अलग अलग सीखी थी, यस और नो? यस यस। पंचेस थ्री टाइप्स के किए थे हमने, लोअर पंच, मिडिल पंच, अपर पंच। फिर ब्लॉक्स किए थे हमने, लोअर ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक, अपर ब्लॉक। ओके, अब इसमें देखो तीनों ब्लॉक्स का आपको यूज आ रहा है। फर्स्ट में लोअर ब्लॉक है, जब सेकंड स्टेप करते हैं तो मिडिल ब्लॉक है, और जब थर्ड स्टेप करते हैं तो उसमें अपर ब्लॉक। पंचेस इसमें सारे आपके मिडिल पंच ही इस बुक से, ठीक है? इसीलिए ये एक सीक्वेंस से चलता है, ठीक है? टाइकोंडो में ऐसा नहीं है कि आपने जो भी चीज करी उसका कोई यूज नहीं है, आप जो करते हो वो कहीं ना कहीं आपका यूज होता है। जैसे जब हम फाइट करते हैं तो फाइट में कैसे ये चीज यूज होती है, किसी ने किक किया, हमने ये ब्लॉक किया, उसके बाद हमने पुश किया, पंच किया। ओके, तो ये हमारी क्विकनेस के लिए जरूरी होता है कि हम इसको फास्ट कैसे अप्लाई कर सकते, उसके लिए ये आपको सीखना जरूरी है, ठीक है? इजी नहीं है, देखने लगता है कि नहीं हम कर लेंगे बहुत जल्दी, पर जब हम सेल्फ करते हैं तो इट्स डिफिकल्ट, बट आप लोग करोगे इसलिए हाफ ऑफ हम करेंगे, और ये पूरी 18 स्टेप्स आपको लर्न करना है। ओके, नाउ वंस अगेन विल स्टार्ट, चैट ठीक है? एक बार और आप सब मेरे साथ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। ओके, यहां तक आपको प्रैक्टिस करनी है 12 स्टेप तक, ठीक है? कम ऑन, रिलैक्स करिए।